Hi everyone. So this is the second part of annual financial budget or budget 2022. I was discussing about tax and GDP ratio. Tax and GDP ratio is that how much government is getting the collection through tax, and that will help in the Indian GDP, or this is the portion which is counted in the whole GDP, that is called tax GDP ratio. And the 2021 से 22 के बीच में जो changes हुए and 22 से 23 का जो revised budget है उसमें only you can say 0.1% का change हुआ है, that is direct and indirect tax is divided, that is 5.5 and 5.2 था. Earlier it was direct and indirect, and now the ratio is 5.4 and 5.4, both are equal. Okay, here I have mentioned that what is the tax GDP ratio, and if I am talking about the income slab, or if people don't know about the tax slab, so this is important, and you can note it down. So up to 2.5 lakh rupee there is no tax, and this is the tax bracket of 0 to 60 years. If I am talking about 2.5 to 5 lakh, then tax is 5%, and 5 to 7.5 lakh, then tax is 10%, 7.5 to 10 lakh is 15%, 10 to 12.5 is 20%, 12.5 to 15 LPA is 25%, and above 15 is 30%. So you can just आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, इसमें एक सिंपल सा आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए, स्टार्टिंग में 2.5 से स्टार्ट करके आप यहाँ पे 2.5 से नेल करके और बाकी सारे में 2.5 का डिफरेंस रख के एक प्रॉपर टेबल बना सकते हो. उसी के अकॉर्डिंग आप इसको इजीली, बहुत लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, मीन इतना फैक्ट बेस्ड, बट हाँ ये चीज आपको पता होनी चाहिए. सो लाइक इफ देर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड ऑन स्टेट पीसीएस, स्पेसिफिकली स्टेट पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप बता सकते हो. सीनियर सिटीजन के लिए ये स्लैब थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज इन बिटवीन 60 to 80 ईयर्स ऑफ एज, 5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना होता, एंड अबव 5 लाख रूपी, 5 to 10 लाख 20%, एंड 10% इज 10, अबव 10 लाख इज 30%. अगेन दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जो एलोकेशन होती है डिफरेंट स्कीम्स के लिए और डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं उसके लिए, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टेट पीसीएस जनरली आस्क दीज फैक्ट्स. एंड यूपीपीएससी में या यूपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड नहीं होते, वो थोड़ा सा स्कीम को लेके होते हैं कि हाँ किसका एलोकेशन ज्यादा हुआ, किस स्कीम में अमाउंट या किस में कम हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो मनरेगा है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज 73,000 करोड़ रुपी हैज ग्रांटेड टू देम टू दिस स्कीम. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जल जीवन मिशन 45,011 करोड़, एंड नेशनल एजुकेशन दैट इज 39,553 करोड़, एंड पीएम विलेज रोड कंस्ट्रक्शन, जो भी ग्रामीण रोड का विकास करने के लिए 19,000 करोड़, एंड पीएम किसान के लिए 68,000 करोड़. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्फ रिलायंट इंडियन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 6,400 करोड़, एंड पीएम हेल्थ 10,000 करोड़, एंड नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 37,800 करोड़. सो सबसे ज्यादा जो एलोकेशन हुआ है वो हुआ है पीएम किसान में और मनरेगा में. सो हाईएस्ट इज मनरेगा एंड पीएम किसान. सो आफ्टर दैट द मिनिस्ट्रीज, द एलोकेशन ऑफ अमाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज 105,406.82 करोड़, एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 107,715.38 करोड़, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर दैट इज 132,513.62 करोड़, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दैट इज 138,203.63 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 140,367.13, and Ministry of Home Affairs 18577.655 crore,
मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सबसे ज्यादा अमाउंट एलोकेट हुआ है एंड दैट इज 21 सॉरी दैट इज 1991.07.71 crore एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 217.684.46 इसमें एंड कंज्यूमर अफेयर्स में सबसे ज्यादा बजट एलोकेट हुआ है एंड आफ्टर दैट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 217.684.46 crore एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज 5251.66.1 crore सो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर सो स्टार्टिंग में जो ये जो टैक्स देना होता था 18% होता था नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 15% सरचार्ज पहले 12% देना होता था नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 7% एंड टैक्स रिबेट पहले फिजिकल हैंडीकेप्ट के लिए दी गई है इस बजट में जो पर्टिकुलर हाईलाइटेड पॉइंट है सो जो फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन है उसके पेरेंट्स को टैक्स रिबेट मिलेगी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन एंड प्रपोजल जो कि दो साल जो भी टैक्स जो जिन्होंने भी टैक्स अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया था सो वो दो पिछले दो साल का बिजनेस क्लास के लिए पिछले दो साल का जो आईटीआर है वो फिल कर सकते हैं और अपनी सोल्यूशनिंग ले सकते हैं तो गवर्नमेंट उसमें कुछ पेनल्टी के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सकते हैं एंड हमेशा नेशनल पेंशन सिस्टम को लेके भी काफी बातें होती थी तो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट 14% पेंशन सबमिशन देता था और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 10% होता था बट इट हैज बीन चेंज फ्रॉम 10% टू 14% हो गया है अभी सो दिस इज लाइक मोर ओवर प्रोवाइडिंग ए इक्वालिटी टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपार्ट फ्रॉम दिस वर्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो भी ट्रांसफर ऑफ पेपर्स होते थे उसमें ये पहले कम होता था बट अभी 30% का टैक्स लीव किया गया है इसके ऊपर एंड उसके ऊपर जो अर्निंग होती थी उसके ऊपर 30% है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है बिकॉज एवरीबडी वॉज डिस्कसिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड लीगलाइजेशन एंड एवरीथिंग सो निर्मला आंटी हैज डिस्क्राइब्ड उन्होंने आरबीआई सो ही हैज मेंशन दैट आरबीआई इज गोइंग टू लॉन्च क्रिप्टो करेंसी और जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन है उसमें 30% का टैक्स लगेगा आफ्टर दैट उसके अलावा देर इज अनदर स्कीम लॉन्च पीएम डिवाइन स्कीम जो कि नॉर्थ पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई है सो देर आर फ्यू अदर पॉइंट्स एंड बिकॉज दिस इज ओनली द आउटलाइन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो आई विल कम इन द नेक्स्ट पार्ट सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स And I will dig out few things. Then I'll come back to you for the next session. Till then, thank you so much. Good night.